हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, रेडमी नोट 11 सीरीज इंडिया वाले बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, लेकिन अब जो है आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ना, वो ये बोल रहे हैं कि नवंबर मंथ में ही रेडमी की नोट 11 सीरीज लॉन्च होने वाली है। अब वो किस नाम से लॉन्च होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या प्राइस होगी, सब कुछ बताने वाले हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, Redmi Note 11 सीरीज, जो Redmi Note 11 है वो ग्लोबल मार्केट में गया Poco M4 Pro, लेकिन जो Redmi Note 11 Pro है और Redmi Note 11 Pro Plus है, वो इंडिया में आ रहा है Xiaomi के नाम के साथ में, Xiaomi Mi 11i और Xiaomi Mi 11i Hypercharge के नाम से आ रहा है। गाइस, सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो, स्पेसिफिकेशन तो आपको पता ही है, लेकिन क्या हमें इंडिया में वेट करना चाहिए? एक्चुअली में अगर प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं, जो Redmi का Note 10 Pro था हमारा, ये वाला काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। हम जो है काफी टाइम से इस फोन को यूज कर रहे हैं, एंड इसका जो परफॉर्मेंस है ना Redmi Note 10 Pro का, वो लिटरली काफी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं चाइना वाले Redmi Note 11 Pro से, तो कोई ज्यादा अपग्रेड नहीं है Redmi Note 11 Pro। फर्क क्या है आपको बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस का फर्क है। जो ये Redmi Note 10 Pro हम यूज कर रहे हैं ना, इसमें चिपसेट यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 732G, जो कि एक 4G चिपसेट है। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं Redmi Note 11 Pro चाइना वाले मॉडल की, जहां पर चिपसेट यूज किया गया है Dimensity 920 5G वाला, जो कि 6nm पे बेस्ड है, और ये वाला चिपसेट जो है वो 8nm पे बेस्ड है। इसके अलावा आपको कोई ज्यादा फर्क देखने को मिलता ही नहीं है। और हाँ, चार्जिंग का ही सपोर्ट आपको फर्क देखने को मिलता है, चार्जिंग का भी फर्क देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद में वहां पर जो है एक अपग्रेड फोन के नाम से लॉन्च किया गया है Redmi Note 11 Pro चाइना के अंदर, लेकिन अभी वो इंडिया में आने वाला है Xiaomi का Mi 11i, और जो Redmi का Note 11 Pro Plus था वो इंडिया में आने वाला है Xiaomi Mi 11i Hypercharge। और बताया जा रहा है कि ये जो है नवंबर के मंथ में ही लॉन्च होने वाला है, मतलब नवंबर के लास्ट तक या फिर जो है दिसंबर के स्टार्टिंग में Xiaomi जल्दी से लॉन्च करने वाला है। तो गाइस, अगर हम अपग्रेड की बात करते हैं, क्या आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखो, प्राइस सेगमेंट है ना, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो लगभग 18,000 रुपए का आता है Redmi Note 11 Pro। इंडिया में आते आते जो इसका प्राइस लगभग 3-4 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा, लगभग 22,000 रुपये या फिर 21,500 रुपये होने वाला है Redmi Note 11 Pro का प्राइस, जिसको हम इंडिया में बोलेंगे Xiaomi का Mi 11i, लगभग 21,500 या फिर जो है 22,000 रुपये का हो सकता है। और हाइपरचार्ज की बात करते हैं तो लगभग वो जो है 1,000 रुपये और भी महंगा होगा। तो गाइस, क्या आपको वेट करना चाहिए? देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आपने Redmi की Note 10 सीरीज यूज कर ली ना, तो मुझे लगता है कि यार आपको वेट नहीं करना चाहिए, मतलब आपको परचेज ही नहीं करना चाहिए Xiaomi का Mi 11i। हाँ, हमें जो है अब इंडियन वाले Redmi Note 11 सीरीज का वेट है कि यार यहाँ पे Note 10 सीरीज से अपग्रेड में क्या आपको देखने को मिलता है, सिर्फ चिपसेट या फिर जो है सिर्फ चार्जर? नहीं, हमें जो है ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अपग्रेड चाहिए होती है, क्योंकि यार हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ नया चाहिए हम फोन को यूज़ करने के लिए। अगर मैं Redmi Note Pro 10 Pro यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैं Redmi Note 11 Pro पे शिफ्ट होऊंगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चिपसेट के लिए अपग्रेड करूंगा? देखो, मेरी सोच ये नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि ब्रांड को सिर्फ चिपसेट अपग्रेड नहीं करके जो है पूरा फोन ही अपग्रेड करना चाहिए, चाहे माइनर चीजें जो है अपग्रेड करें वो। जहां अगर मैं Xiaomi Mi 11i एंड Xiaomi Mi 11i हाइपरचार्ज के अगर डिजाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करता हूं, तो ये है इनका डिजाइन, जो कि Redmi की ब्रांडिंग है, इंडिया में आते-आते यहां पे जो है Xiaomi की ब्रांडिंग बन जाएगी। और इसके अलावा जो है अगर यहां बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की, तो वही है 6.67 इंच का डिस्प्ले, जो कि हम Redmi Note 10 Pro के अंदर ऑलरेडी देख रहे हैं, Redmi Note 10 Pro Max के अंदर ऑलरेडी देख रहे हैं। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, वही साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। डिजाइन में आपको थोड़ा बहुत जरूर से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ में, आपको मिलेगा कैमरा मॉडल का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, कैमरे मॉडल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो वहां पर भी जो है बिल्कुल ही सिमिलर है, क्योंकि वहां पर Xiaomi Mi 11i या Xiaomi Mi 11i हाइपरचार्ज का जो मेन कैमरा है ना, वो होगा 108MP के साथ में। वो कैमरा हम ऑलरेडी Redmi के Note 10 Pro Max के अंदर देख चुके हैं, एंड वही अल्ट्रा वाइड एंगल मैक्रो लेंस आपको जो है कुछ इस सेटअप देखने को मिलेगा। और फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, तो वही 16MP का जो है फ्रंट कैमरा सेटअप है। नेक्स्ट, अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस में आपको जरूर से फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे Xiaomi का Mi 11i या Xiaomi का Mi 11i हाइपरचार्ज अगर की बात करते हैं, तो वहां पर चिपसेट यूज किया जाएगा MediaTek का Dimensity 925G चिपसेट, जो कि 6nm पे बेस्ड है। परफॉर्मेंस के मामले में 5 लाख प्लस जो है उसका एज तो बेंचमार्क स्कोर है, नो डाउट काफी अच्छा आपको जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बैटरी की बात करते हैं, तो 5160mAh की बैटरी आपको मिलेगी Xiaomi के Mi 11i के अंदर, एंड 4500mAh की बैटरी मिलेगी आपको हाइपरचार्ज वाले फोन के अंदर।
अंदर। देखो वहां पे जो है चार्जिंग का भी आपको फर्क देखने को मिलेगा, चार्जिंग आउटपुट का फर्क देखने को मिलेगा, 67 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा Xiaomi के Mi 11 i के अंदर और 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा आपको यहां पे Xiaomi के Mi 11 i हाइपर चार्ज के अंदर। वेरिएंट की अगर बात करते हैं तो आपको जो है बेस वेरिएंट 6GB रैम के साथ में होगा एंड इसके अलावा साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं है, माइनर सा ही अपग्रेड है Redmi का Note 10 सीरीज से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो गाइस ये था यहां पे Xiaomi Mi 11 i, Xiaomi Mi 11 i हाइपर चार्ज जो कि इंडिया में नवंबर मंथ के अंदर लॉन्च होने वाला है। प्राइस एक्सपेक्टेशन 20,000 से 25,000 रुपए के होने वाले हैं ये दोनों ही फोन। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या मानना है, क्या आप वेट करोगे Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ में Mi 11 i जो आ रहा है या फिर नहीं करोगे, जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।